वेलकम बैक स्टूडेंट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्रामर रूल एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रामर रूल. ठीक है, पिछली वीडियो में जो ग्रामर रूल के कंसेप्ट है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्लीज़ वो वीडियो आप जरूर देखें. वहाँ हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल वो पढ़ा था. लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल बाय यूजिंग ग्रामर रूल. लेट्स सी, हियर इज अ क्वेश्चन. सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग ग्रामर रूल. ओके, ये इक्वेशन दी होगी. सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द थ्री इक्वेशंस दैट इज गिवन टू यू एंड आफ्टर दैट, जैसा कि कंसेप्ट आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेयर ए, एक मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करेंगे जो क्या होती है, जो बनती है कोफिशियंस, जो इन इक्वेशन में एक्स वाई और जेड के कोफिशियंस है उनसे बनती है. तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट 1 है, वाई का कोफिशियंट 2 है, जेड का कोफिशियंट -3. सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट 2 है, वाई का कोफिशियंट -3, जेड का कोफिशियंट 4. एग्जैक्टली थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट इज 1, वाई का कोफिशियंट -1, जेड का कोफिशियंट -1. ये होगा ए. एंड नाउ बी, व्हाट इज बी? बी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो इक्वल से उस तरफ जितने भी नंबर्स दिए हैं उनसे मिलकर बनी होती है मैट्रिक्स बी, 5, 2 एंड 3. ये मैट्रिक्स बी है. अब जैसे कि क्रामर रूल के अकॉर्डिंगली आपको पता है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डल. डल क्रामर रूल से एक्स वाई जेड की वैल्यू हम तभी ही फाइंड कर सकते हैं अगर जो ये डल है, यानी डल बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल ना आए. अगर ये 0 के इक्वल आ गए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और आप आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं. तो देखते हैं क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है या नहीं. लेट्स सी, डेल स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ए का डिटर्मिनेंट फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे और बाकी के सारे एलिमेंट फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को स्किप करके इन डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिखते हैं -1 एंड -1. आफ्टर दैट अगला एलिमेंट होता है 2, इसके साथ माइनस लगता है रूल के अकॉर्डिंगली. तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचा? 2, 4, 1 एंड -1. एंड लास्ट एलिमेंट इज 3. तो +3 होता था लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का, तो -3 लिखेंगे हम इसको. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लीव करो, आपके पास बचता है 2, -3, 1, -1. अब इसको सॉल्व करना है 1 एज इट इज. अब यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करो, 3 1 जार 3, -1 प्लस होता है प्लस का 3, -4 1 जार 4, तो ये -4 आएगा तो -1 प्लस का 4 बन जाएगा. सिमिलरली -2, यहाँ पर भी 2 1 जार 2, माइनस का 2 हो गया, फिर -4 1 जार 4. एग्जैक्टली यहाँ पर भी -3, 2 1 जार 2, -2, -3 1 जार 3, -3, तो -1 प्लस का 3 हो जाएगा. एंड आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, बाद 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 इंटू -1 प्लस होता है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा. सिमिलरली माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का साइन. एंड इट विल 7 1 जार 7, -1 हो गया, प्लस 3 6 2 जार 12, फिर इधर माइनस का 3, ये 7 प्लस 12 इज 19, 19 माइनस 3 इज 16, विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो देयरफोर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा यानी सॉल्यूशन इज पॉसिबल. डेल की वैल्यू लगी पता. नाउ वी नीड टू फाइंड डेल 1. अब ये डेल 1 क्या होता है? रूल के अकॉर्डिंगली आपको डेल 1 फाइंड करना है. डेल निकल गया, 0 के इक्वल नहीं आया तो डेल 1 निकालेंगे, फिर डेल 2, फिर डेल 3. अब ये डेल 1 है क्या? जब ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को बी रिप्लेस करता है वो डेल 1 होगा. 5 2 3 2, बाकी सेम एलिमेंट लिखो, ये और ये माइनस का 3 4 एंड 1. इस तरह से आप डेल 1 फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डेल 1 निकलेगा. उसके बाद आपको डेल 2 फाइंड आउट करना है. डेल 2, अब डेल 2 के लिए आप क्या करेंगे? डेल 2 के लिए जो मैट्रिक्स ए है इसके सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेगा बी, और उसका डिटर्मिनेंट लो, देन यू विल फाइंड डेल 2. कैसे? फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज लिखना है, थर्ड कॉलम भी एज इट इज लिखना है,
लेकिन यहां पर जो सेकंड कॉलम है 2 माइनस 3 और माइनस 1, इसको 5 2 3 5 2 3 रिप्लेस करेगा और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो। एंड देन डेल 3, डेल 3 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल 3 3 मतलब थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है यहाँ पे। फर्स्ट के दो कॉलम एज इट इज आएंगे, पहला सेकंड 2 -3 एंड -1। अब यहाँ पे क्या करना है, बी से थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है 5 2 एंड 3, और इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डेल 1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, डेल 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, डेल 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, ठीक है। जब आप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, आफ्टर दैट बाय क्रामर रूल। तो क्रामर रूल क्या बताता है, क्रामर रूल ये बताता है कि जो एक्स की वैल्यू वो निकलेगी डेल 1 अपॉन डेल, ठीक है, और वाई की वैल्यू निकलेगी डेल 2 अपॉन डेल, और जेड की वैल्यू निकलेगी डेल 3 अपॉन डेल, ठीक है। तो देखो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, 5 सबसे पहले 5 बाहर आएगा, ये 5 बाहर, ये और ये पूरा छोड़ो, क्या बचा माइनस का 3 4 -1 एंड 1, फिर माइनस का 2 आएगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ो क्या आएगा 2 4 3 1, एंड सिमिलरली माइनस का 3 बाहर आएगा, और इसकी जगह फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ो तो क्या बचा 2 -3 3 और -1। इसको सॉल्व करो एक वैल्यू आएगी, फिर इसको भी एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करना, इसको भी एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करना जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते ही है। हाँ, अगर किसी को डिटर्मिनेंट फाइंड करने में दिक्कत है तो वो प्लीज़ जहाँ पर 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी जाके आपको ये जो कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट मैथड या फिर जिसको क्रामर रूल बोलते हैं ये आपको ईजी लगेगा, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। नाउ डेल 2 निकल गया, डेल 3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, एंड आफ्टर दैट बाय क्रामर रूल एक्स की वैल्यू डेल 1 जो यहाँ से वैल्यू है उसको ऊपर लिखो, और डेल तो आपको पता है 16 डिवाइड बाय 16, मान लो इसकी वैल्यू आती है 5, तो 5 बाय 16, इसकी वैल्यू आती है 6, तो 6 बाय 16, और इसकी वैल्यू आती है 8, तो 8 बाय 16, उसको सॉल्व करो एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो आई होप स्टूडेंट्स ये एक जो क्रामर रूल है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स बाय यूजिंग क्रामर रूल, ये जो पूरा कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।